रेडमी 6 के बाद रेडमी 7 इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसी की कुछ लीक्स टीना की वेबसाइट पर नजर आई हैं, उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले की, तो रेडमी 7 की जो डिस्प्ले होने वाली है वो 5.84 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है, और इसमें भी आपको एक सिंगल डॉट नॉच डिस्प्ले मिलने वाली है। 2.5D कर्व ग्लास आपको इसमें फ्रंट में मिल जाएगा, और बात करें तो रियर में आपको फिंगरप्रिंट और 12 कैमरा सेटअप मिलने वाला है। 12 कैमरा सेटअप में आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, सेकेंडरी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी में थोड़ा कंजूसी की गई है, इसमें 2900 मिली एम्पायर की बैटरी आपको मिलने वाली है। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन इसमें एंड्रॉयड पाए आपको मिलने वाला है, और MIUI 10 इसमें आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी ये अभी तक पता चल नहीं पाया है। अगर बात करें लुक की, तो Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro की तरह ही ग्लोसी फिनिश वाली लुक इसकी मिलने वाली है। इसमें आपको 3GB 32GB का एक वेरिएंट और 4GB 32GB का दूसरा वेरिएंट मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 या स्नैपड्रैगन का ही 636 प्रोसेसर मिल सकता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो 3GB 32GB का वेरिएंट आपको 699 में मिलने वाला है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर